दुरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वो जो हैफा कहते हैं कि मैंने हज़रत अली रदिल्लाहु अन्हों से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई और भी किताब है, उन्होंने फरमाया कि नहीं मगर अल्लाह की किताब कुरान है या फिर फहम है जो वो एक मुसलमान को अता करता है या फिर जो कुछ सहीफ़े में है। मैंने पूछा इस सहीफ़े में क्या है, उन्होंने फरमाया दियत और कैदियों की रहाई का बयान है और ये हुक्म कि मुसलमान काफर के बदले कत्ल न किया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 111। कबीला खुजा के किसी शख्स ने बनू लेस के किसी आदमी को अपने मकतूल के बदले में मार दिया था। ये फतह मक्का वाले साल की बात है। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई, आपने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर खुतबा पढ़ा और फरमाया कि अल्लाह ने मक्के से कत्ल या हाथी को रोक लिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस लफ्ज़ को शक के साथ समझो, ऐसा ही अबू नईम वगैरह ने अल-क़त्ल और अल-फ़ील कहा है, इनके अलावा दूसरे लोग अल-फ़ील कहते हैं। फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इन पर अपने रसूल और मुसलमानों को गालिब कर दिया और समझ लो कि वो मक्का किसी के लिए हलाल नहीं हुआ, न मुझसे पहले और न आइंदा कभी होगा, और मेरे लिए भी सिर्फ दिन के थोड़े से हिस्से के लिए हलाल कर दिया गया था। सुन लो कि वो इस वक्त हराम है, न इसका कोई कांटा तोड़ा जाए न इसके दरख्त काटे जाएं, और इसकी गिरी पड़ी चीज़ें भी वही उठाए जिसका मंशा ये हो कि वो इस शय का तारुफ़ करा देगा। तो अगर कोई शख्स मारा जाए तो उसके अजीज़ों को इख्तियार है दो बातों का, या दियत लें या बदला। इतने में एक यमनी आदमी अबू शाह नामी आया और कहने लगा ये मसाइल मेरे लिए लिखवा दीजिए। तब आपने फरमाया कि अबू फलां के लिए ये मसाइल लिख दो। तो एक कुरैशी शख्स ने कहा या रसूल अल्लाह मगर इज़खर यानी इज़खर काटने की इजाज़त दे दीजिए क्योंकि इसे हम घरों की छतों पर डालते हैं या मिट्टी मिलाकर और अपनी कब्रों में भी डालते हैं। यह सुनकर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ मगर इज़खर। सही बुखारी हदीस नंबर 112। वहब बिन मुंबाह के भाई कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रदिल्लाहु ताला अन्हु को कहते हुए सुना कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु के अलावा मुझसे ज़्यादा कोई हदीस बयान करने वाला नहीं था, मगर वो लिख लिया करते थे और मैं लिखता नहीं था। सही बुखारी हदीस नंबर 113। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में शिद्दत हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास सामान किताबत लाओ ताकि तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूँ ताकि बाद में तुम गुमराह न हो सको। इस पर हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने लोगों से कहा कि इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ का गलबा है और हमारे पास अल्लाह की किताब कुरान मौजूद है जो हमें हिदायत के लिए काफ़ी है। इस पर लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई और शोर गुल ज़्यादा होने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास से उठ खड़े हो, मेरे पास झगड़ना ठीक नहीं। इस पर इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ये कहते हुए निकल गए कि बेशक मुसीबत बड़ी सख्त मुसीबत है, वो चीज़ जो हमारे और रसूल के और आपकी तहरीर के दरमियान हायल हो गई। सही बुखारी हदीस नंबर 114। एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होते ही फरमाया कि सुभान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने उतारे गए हैं और कितने ही ख़जाने खोले गए हैं। इन हुजरे वालियों को जगाओ क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा पहनने वाली हैं
वो आखिरत में नंगी होंगी। सही बुखारी, हदीस नंबर 115।